इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रियासी चेक न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि लेबर डिपार्टमेंट रियासी की तरफ से मैडम यहां पे पहुंची हुई हैं अपने पूरी टीम के साथ, और यहां पर देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जिसकी कम उम्र है 18 साल से कम है, तो वो तो नहीं दुकानों में काम कर रहा है, और फॉर्म सी वगैरह जो है वो कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी हैं या नहीं हैं जो चेक की जा रही हैं। और ये आप देखेंगे सीधे यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट रियासी की तरफ से मैम अपनी टीम के साथ पहुंची हुई हैं, और एक व्यक्ति जो है वो पाया गया है, छोटा सा बच्चा है वो पाया गया है कि दुकान में, तो उन्हें जो है वो पूछताछ के लिए लिया है कि कौन ये बच्चा है, कहाँ का है और कब से दुकानों में काम कर रहा है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको बता दूँ कि आज हम मैम से लेने वाले हैं कि किन किन लोगों का सी फॉर्म चाहिए होता है और क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, किन किन लोगों ने जो है वो सी फॉर्म पर बनाना पड़ता है, चाहे वो रेडीमेड का काम करने वाला हो, चाहे वो फूड का काम करने वाला हो, और चाहे वो मेडिकल शॉप चलाने वाला हो। तो तमाम जानकारी जो है वो मैम से जुटाएंगे। लेकिन एक बच्चा जो है वो पाया गया है कि वो छोटा सा बच्चा था, एक दुकान पर काम कर रहा था, उन्हें जो है वो लिया है मैम ने। और ये देखिए हर जगह जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। अब साक्षी ब्यूटी पार्लर लिखे इसको या क्या लिखे? दुकान का क्या नाम लिखे? साक्षी ब्यूटी पार्लर। जाना सीएससी सेंटर वाले के पास, उसको बोलना ऑनलाइन। आपको ऑफिस के लिए क्या नाम है जो करते हैं ये? साक्षी। ऑनर कौन है? साक्षी। साक्षी है ना, भाई को। अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है ना, दो है फिर। मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे 9 7 9 7 9 7 9 4 7 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
मैडम आपने पार्लर की रजिस्ट्रेशन कराई है जी मैम? ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये करा लीजिएगा। आप कोई इन्वॉइस नहीं रखते? तो मैं बता दूंगी ये पौनी हजार में जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अपनी पूरी टीम के साथ उच्च अधिकारी पूरे बाजार का इन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि कहीं छोटे छोटे बच्चे तो नहीं दुकानों में काम कर रहे हैं और फार्मसी वगैरह जो है वो बनाने के लिए लोगों को आज नोटिस थमाए जा रहे हैं कि अगली बार अगर फार्मसी नहीं बनाया होगा तो उन्हें जो है वो चलान थमाया जाएगा। लेकिन लोगों में असमझ की स्थिति है कि किस तरह का फार्म वो रहेगा, कहाँ से वो बनेगा, तो तमाम जानकारी वो मैम से हम लेंगे। भाई साहब जैसे इनको रजिस्ट्रेशन करानी है, आपने अपना सलून भी करा, ठीक है, सलून का नाम बताओ। सलून का नाम तो आगे चाहिए भी नहीं ना, एक गाड़ी ना, ठीक है, मैं बता दें यहाँ पे क्या मैम आज के बारे में जो लेबर डिपार्टमेंट से आप आए हैं तो लोग क्या क्या देखा जा रहा है दुकानदारों? एक्चुअली हमने आज यहाँ पे ड्राइव चलाई थी, वो चाइल्ड लेबर की रिगार्डिंग चलाई थी,
मार्केट में ज्यादातर हमें ये मालूम चल रहा था कि बहुत सारी जगहों पे चाइल्ड लेबर पाई जा रही है। पिछले दिनों हमने कटरा मार्केट में भी एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया और वहां से भी काफी बच्चे रेस्क्यू किए थे। तो इसी के रिगार्डिंग हमने आज यहाँ पे एक ड्राइव चलाई जिसमें हमें एक बच्चा मिला और जिसे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हैंड ओवर कर देंगे और आगे की कार्रवाई वो अपने लेवल पे वहाँ पे करेंगे। फॉर्म चेक किया जा रहा है, कुछ फॉर्म सी वगैरह जी लेबर डिपार्टमेंट का एक फॉर्म होता है फॉर्म सी, जिसे कि हम नागा फॉर्म भी कहते हैं। इसमें सभी मार्केट वालों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है लेबर डिपार्टमेंट के साथ, जो जिसके तहत वो हम अपने दूसरे कानून भी उनके ऊपर लागू करते हैं। तो वही फॉर्म सी हम चेक कर रहे हैं और पोनी मार्केट में हमने यह पाया कि ज्यादातर सभी दुकानदारों ने फॉर्म सी नहीं बनाया हुआ है। तो कुछ लोगों को हमने नोटिस भी दिए हैं ऑन स्पॉट और काफी लोगों को हमने ऐसे ही वर्बली बोला है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें एक हफ्ते के अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, कितनी फीस वगैरह रहती है और कितने दिन में बन जाता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसमें और इसके लिए आपको सिंगल विंडो पे जाना है, वहां पे आपने अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में फॉर्म सी के लिए अप्लाई करना है। जहां तक इसकी फीस का सवाल है, हर एक एस्टेब्लिशमेंट की अलग फीस है जो कि 50 रुपए से शुरू होती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से वो आगे बढ़ती जाती है। किसी की भी शॉप हो सबको वो जो अनिवार्य रहता है जी, चाहे जो भी शॉप हो जहाँ पे भी बिजनेस चलता है वहां पर उन्हें फॉर्म सी लेना है। ठीक है, थैंक यू।